ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्हें केजरीवाल ने केवल 34 बरस की उम्र में भाषा और संस्कृति का मंत्री बना दिया था, दिल्ली जल बोर्ड सौंप दिया था। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाए थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि नोट के साइज में प्रॉब्लम नहीं, मोदी के दिमाग के साइज में प्रॉब्लम है। लेकिन अब वही कपिल मिश्रा बीजेपी के दुलारे हैं, अमित शाह को प्यारे हैं और प्रधानमंत्री पर वारे हैं, क्योंकि मई 2017 में कपिल मिश्रा के तेवरों ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर न केवल 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, बल्कि एसीबी में बकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई थी। दरअसल 23 फरवरी को कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ मौजपुर चौक की रेड लाइट पर पहुंचे और सीएए के समर्थन में धरने पर बैठ गए। कपिल मिश्रा ने कहा कि ये यही चाहते हैं कि दिल्ली में आग लगी रहे, इसलिए इन्होंने रास्ते बंद किए और इसलिए ये दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। कपिल मिश्रा के इस बयान के दूसरे दिन ही हिंसा भड़क गई, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के यमुना पार इलाकों में मौजपुर, जाफराबाद, बाबरपुर और गोकुलपुरी क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता भी कपिल मिश्रा को दिल्ली हिंसा के लिए निशाने पर ले रहे हैं। हिंसा भड़काने के लिए कपिल मिश्रा के खिलाफ बकायदा शिकायत भी की गई है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा का विवादों से पुराना नाता है, विधानसभा चुनाव में विवादित बयानों के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उतने हमले किसी और ने नहीं किए जितने कभी उनके साथ खड़े रहने वाले कपिल मिश्रा ने किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा था, 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें बैन कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।